अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का हमारा संडे स्पेशल शो। लास्ट संडे हमने जो कॉन्टेस्ट पूछा था उसका जवाब हम इस वीडियो के अंत में देंगे। उसके पहले कुछ और बातें। आज हम बात करने वाले हैं करप्शन के ऊपर। आपको पता है करप्शन का लेवल इंडिया में किस तरह कदर बढ़ा हुआ है, फिर चाहे वो सिटी लेवल पे हो, मतलब शहर का हो, या स्टेट का हो, या पूरे होल इंडिया का। एक के बाद एक करप्शन जो है हमारे सामने आते जाते हैं। कुछ करप्शन तो हमारे सामने ही है, हमारे मुंह पे ही आते हैं, जैसे कि बैंक्स घोटाला हो गया। उसके अंदर आप यस बैंक का घोटाला देख लो, पीएनबी का देख लो, या पीसीएम का बैंक घोटाला देख लो। इसके बाद में 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, एजुकेशन सेक्टर में व्यापम घोटाला हो गया। इसके बाद में और ऐसे कई घोटाले, MLS की हॉर्स ट्रेडिंग हो गई जो कि आजकल काफ़ी फेमस है, मध्य प्रदेश में हमने देखा। इसके बाद में वही सेम चीज़ कर्नाटक में हुई। तो दोस्तों, हॉर्स ट्रेडिंग तो हमारे भिवंडी महानगर पालिका के भी काफ़ी फेमस है। आपने देखा किस तरह से कॉर्पोरेटर्स की खरीद फरोख्त होती है मेयर के इलेक्शंस में। और साथ ही आपने भिवंडी महानगर पालिका का पिछले साल का जो टोरेंट का 315 करोड़ का जो स्कैम था वो भी सुना होगा। और फिर हाल फिलहाल में जो रोड के ऊपर जो चल रहा है, किस तरह से हल्का मटेरियल वापर के जो है रोड बनाया जा रहा था, उसके ऊपर काफ़ी बवाल, काफ़ी चर्चा हुई थी। तो ये जो करप्शन है ये कहाँ से शुरू होता है और इसको कैसे ख़त्म किया जाए? सबसे पहली बात, हम और आप ये सोचते हैं कि कोई एक अच्छा लीडर आ जाएगा, कोई एक अच्छा मेयर आ जाएगा तो शहर का करप्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई अच्छे MLA और MPs आ जाएंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ का करप्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई अच्छा CM आ जाएगा तो हमारे स्टेट का करप्शन ख़त्म हो जाएगा, कोई अच्छा PM आ जाएगा, नॉन करप्ट PM आ जाएगा तो देश का करप्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे 2014 से, हम देख रहे जब से मोदी जी आए, उनके ऊपर तो कोई भी एक भी करप्शन चार्जेस नहीं है। उसके बाद में भी पूरे इंडिया लेवल पे क्या करप्शन रुका है क्या, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये करप्शन ऊपर से नीचे नहीं, ये नीचे से ऊपर जाता है। इसके ऊपर है ना, मैं एक छोटा सा आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जो कि मैंने एक वीडियो में देखा था, पाकिस्तानी वीडियो था वो, और उसके अंदर बताया था कि किस तरह से करप्शन बढ़ता है आगे। मैं चाहता हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँ। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने एक टीम बना के, उन्होंने एक TV लिया, TV का एक वायर निकाल के उन्होंने मैकेनिक के पास लेके गए और उसको कहा कि यहाँ पे ये TV खराब हो गया, चल नहीं रहा। मैकेनिक ने उसको चेक वेक किया, उसको समझ में आ गया कि क्या खराबी है, लेकिन उनको बोला कि इसका ट्यूब बिगड़ गया है, 8,000 रुपया खर्चा आएगा। वैसे सेम उन्होंने फिर एक फ्रिज के साथ में किया, फ्रिज के अंदर थोड़ा सा उन्होंने ऐसा माइनर सा एक फॉल्ट कर दिया और जाके मैकेनिक को दिया। फ्रिज का जो मैकेनिक था उसने चेक किया और उसके बाद में बोला कि इसका कंप्रेसर खराब हो गया, आपको 13,000 रुपया खर्चा आएगा। फिर उन्होंने एक बाइक का ट्यूब खरीदा, उसके अंदर उसको बाइक के टायर में लगा के पंचर वाले के पास लेके गए। पंचर वाले के पास ले जाके बोला कि भैया ये गाड़ी पंचर हो गई है, आप चेक करो, हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। और उन्होंने वहाँ पे हिडन कैमराज वगैरह लगाए थे। तो जब वो लोग वापस आए पंचर वाले के पास में, तो पंचर वाले ने उनको बताया कि इस ट्यूब में 2 पंचर थे और उसके 150 रुपये हो गए। तो उन्होंने पंचर वाले से कहा कि अल्लाह के बंदे, ये बिल्कुल नई ट्यूब थी, हमने पिछली दुकान से खरीद के लाया था और यहाँ पे तुम्हारे को हमने दिया था। तो पंचर वाले ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया उसका। उसने कहा कि मैं बोले 4 पंचर भी तो निकाल सकता था, मैंने सिर्फ 2 ही निकाले, तो इसका आप शुक्र मनाओ। तो दोस्तों, ये जो पंचर वाला, ये जो TV मैकेनिक और ये जो फ्रिज वाला है, तो आज जो ये 150 का 8,000 का 13,000 का जो ये लोग घोटाला कर रहे हैं, कल को इनको जब मौका मिलेगा, अगर ये आगे के लेवल पे जाएंगे, कॉर्पोरेटर, MLAs, MPs बनेंगे, तो क्या ही नहीं है कि ये लोग 13,000 का घोटाला करेंगे और 1,300 करोड़ का घोटाला करेंगे, 8,000 करोड़ का घोटाला करेंगे। क्योंकि जिसको आज इनको इसका मौका मिला है 150 रुपये का घोटाला करने का, तो उन्होंने 150 रुपये का किया। फ्रिज वाले को 8,000 रुपये का घोटाला करने को मिला तो आज उसने 8,000 का किया। कल को जब इसको मौका मिलेगा तो ये 800 करोड़ का भी घोटाला कर सकता है और 8,000 करोड़ का भी घोटाला कर सकता है। तो ये जो करप्शन है ये नीचे से ही फिर ऊपर जाता है। तो इसके ऊपर गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोट है, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब हमें खुद को ही चेंज करना है, हमें खुद को ही सुधारना है, जब कहीं जाके आगे के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे जो है सुधार आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने लॉकडाउन में देखा। सरकार ने अपनी तरफ से ऊपर से ज़बरदस्ती लॉकडाउन लगा दिया, हर चीज़ को बंद कर दिया, सबको घर में रहने को कहा, उसके बावजूद आज 10 लाख केसेस हो गए कोरोना के। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने खुद की तरफ से ज़बरदस्ती लगाया था और लोगों ने
इंडिविजुअली अपनी ड्यूटी नहीं समझा कि नहीं मुझे घर पे बैठना है। अगर यहाँ ये निचली सतह पे होता, अगर नीचे से लोगों को समझ में आता, खुद को फील होता, ये महसूस होता कि नहीं हमें भी घर पे बैठना है वरना केसेस बढ़ जाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, तो ये आज 10 लाख केसेस नहीं होते थे, तो पिक्चर कुछ और होता था। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, अगर करप्शन को रोकना है तो हमें पहले बदलना होगा, आपको पहले बदलना होगा, नीचे से जो है ये जब शुरुआत करेंगे इसकी, तो आगे चल के जो है ऊपर के लेवल पे जो है इसका चेंजेस दिखेगा, इसका बदलाव आएगा। तो दोस्तों हम यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि करप्शन किस तरह से कम हो सकता है। अब आते हैं हमारे कॉन्टेस्ट के ऊपर। पिछले संडे को हमने एक सवाल पूछा था कि टोरेंट का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो उसका सही जवाब है, टोरेंट का मतलब होता है धार, एज, काटने वाला, किसी भी चीज़ को काटने वाला। तो ये हमारा आज का लास्ट कॉन्टेस्ट था, तो इसीलिए हमने हमारे 10 लकी विनर की जगह पे 20 लकी विनर निकाले। जी हाँ, 20 लकी विनर्स हमने निकाले और उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो दोस्तों ये था अब हमारा आखिरी कॉन्टेस्ट। हम बहुत जल्द दूसरा कॉन्टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और मैं आपको बता दूं कि वो काफ़ी टफ होगा और काफ़ी दिलचस्प भी होगा। तो हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।